Yes, once again we are live, and she was Anab from Mumbai. I seriously मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अपने फैंस देखता हूँ बॉर्डर के उस पार भी, जो कि पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे होते हैं और जिनको हमारे ड्रामास पसंद आते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे कि फिर से हमारी हमारे रिश्ते और हमारी मोहब्बतें दोबारा से कायम हो। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमने देख ही लिया इस कोरोना के बाद कि हम हर वक्त अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, मोहब्बतों को, लोगों को, रिश्तों को, और जब ऊपर वाले को गुस्सा आता है तो फिर ऐसे डिवाइड हो जाते हैं कि फिर हम कहीं निकल ही नहीं पाते। तो इसलिए अभी भी वक्त है, हमको एक रियलिटी चेक मिला है, उससे सीखें। ओके जी, लेट्स स्पीक टू हु। चलिए देख, अनाबिया 305। अच्छा, आई विल स्पीक लाइक शॉर्ट, राइट? बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। स्पीक टू मी सर, किसने कहा? इमरान अब्बास, माई लव फैन पेज, प्लीज़ प्लीज़। मुनीर, मैंने कहा कॉल मी, आपका कोई इंडियन फिल्म आ रहा है? आयशा स्वीट गर्ल ने कहा आई एम योर बिग फैन। जावे, इमरान अब्बास फैंटास्टिक, प्लीज़ ट्राई प्ले मी सर, ट्राई प्ले। अच्छा, इमरान अब्बास एक ख्वाब। अच्छा, ये भी एक फैन पेज है जी, इमरान। सारे फैन पेज हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ये फैन पेज रन कर रहे हैं। बहुत ही आपके प्यार का शुक्रिया। प्लीज मुझे लें लाइव में, मरियम जैदी ने कहा। अच्छा जी, देखते हैं। मिर्ज वेट, परवीन खेरानी, आप तो आई थी शायद कल परसों, पर कल भी लाइव आई थी। अब्दुल समद फोटोग्राफी, अच्छा जी चले, अब्दुल समद फोटोग्राफी कौन है उनको लेते हैं। इमरान अब्बास की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अस्सलाम वालेकुम, इमरान हैं? अब्बास की कॉल, ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान भाई। मैं फैन अच्छा, हूँ फोटोग्राफर हैं आप? वालेकुम जी, अस्सलाम मैं जी, आपके साथ, फोटोग्राफर हूँ। ये आपके मेरी साथ कौन मदर है है, आपकी? सर, मेरी अच्छा, मदर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम, बस ठीक ठाक। एक मिनट, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान भाई, और मेरी मदर जो है वो बहुत शौक से ड्रामा देखती हैं आपका। पहले मैं मदर से बात मुतासर कर रहे हूँ। हैं ना, मदर से बात कर रहे हैं अस्सलामुअलैकुम पहले। अस्सलाम बेटा, वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप आंटी, ठीक है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बस मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। हूँ, कहाँ से जबरदस्त। बात ये कर तो रही मैं हैं? हैरान हो रही हूँ आपको देखकर, कि ये क्यों कहाँ से बीच में ले आए आपको। देखें, कहाँ मेरा कहाँ से शहर से हैं? बेटा, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह आप। बहुत शुक्रिया आंटी, आप भी बहुत प्यारी हैं वैसे तो। बस मैं तो ऐसी अभी बैठी हुई थी, अचानक ये एकदम कमरे में आए। मम्मा, ये इमरान अब्बासी से बात कर, इमरान जी जी अब्बासी, इमरान अब्बास ही हाँ, हैं, आपका अब्बासी ड्रामा हैं जिसे देख रही आई हूँ। आई निकाल दें बीच में आखिर से, इमरान अब्बास। अब्बास, हाँ इमरान अब्बास, सॉरी। जी, वो हमजा अच्छा, अब्बासी मेरे मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ, डर खुदा से। हैं। अच्छा वो खत्म हो गया, आप क्या देख रही हैं? आप तो आखिरी किस्त आ गई हाँ, उसकी, नंबर क्या एंड हुआ? ही था, आखिरी किस्त, हाँ लास्ट भाई, एपिसोड था आपका ना हाँ कर लिया उसने। हाँ जी, हाँ जी, बेटा। आप थोड़ा सा नहीं कहाँ देख रही होती हैं? हैं आप? कराची होते हैं? नहीं जी, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, ये इस्लामाबाद में हूँ मैं। अच्छा, इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, आप कौन से बहुत शहर अच्छा में लगा होती हैं? आपको जी। हम आप कौन से शहर में होती हैं जी? लाहौर में होते हैं अच्छा, लाहौर में। और समझ साहब लाहौर में जी फोटोग्राफी करते हैं? जी इमरान भाई, मैं लाहौर में फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा स्टूडियो है गुलबर्ग में। अच्छा तो अभी अच्छा अच्छा लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से ना, अभी हम घर में बैठे हुए हैं ना, तो एडिटिंग वगैरह का काम चल रहा है बस। अब वेडिंग के इवेंट्स भी कैंसिल हो गए सारे मेरे, तो क्लाइंट्स के फोन आ गए कि अब अप्रैल, अब तो रमजानों का रमजान आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। चल अभी उनसे तो सब पूछना, जिनकी कुछ शादियां ही कैंसिल हुई हैं वो कितने उदास होंगे, जरा सोचें। बिल्कुल, वो उनके तो पेमेंट्स भी नहीं मिली उनको, जिन्होंने हॉल बुक्स करवाए हुए थे वहां से पेमेंट्स भी नहीं दे रहे, हाँ कोई कोई नहीं दे रहा, इतना नुकसान हुआ था उनका बेचारों का। अब तो घरों में भी इवेंट्स करने से पाबंदी लगा दी, अभी रिसेंटली घर में इवेंट किए हैं तो वो हाँ पीछे से उनको पता चल गया, उन्होंने बंद करवा दिया सब कुछ। चलें जी, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे, और ये
सारे के सारे क्राइसिस हैं, जितना दुआ अभी करें आप, जितना भी। अभी ये रिसेंटली PFDC का शो हुआ था ना इधर लाहौर निशात में, आप भी आए हुए थे, तो मेरी उधर भी आपसे मुलाकात हुई थी, मैं एज अ फोटोग्राफर आया हुआ था वहां पे। अच्छा, जी जी शायद आई थिंक आपको अच्छा याद नहीं होगा, हम तो एज अ फोटोग्राफी अच्छा वगैरह कर रहे थे ना वहां पे PFDC में। अच्छा 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 जरूर जी जरूर। जी जी चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके बहुत अम्मी शुक्रिया को खुदा मैं हाफिज आपसे, आपको आपके। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा चल, अब तो आपको पता आप है मेरा बेटे को भी ना ड्रामों में काम करने का बहुत शौक है, मैं कहती हूँ चलो फिर कराची शिफ्ट होना पड़ेगा हमें, लेकिन हमारी दिखाएं कराची में जरा बेटे फैमिली को, जरा काफी है। बेटे जरा आना कैमरे के जी सामने जी जरा। देखूंगी। जी जी हाँ जी जरा, इसका कोई लाइन तो मैं सुनाए ना कहती जरा, हूँ, कोई लाइन तो सुनाए जी ना जरा, जी कोई डायलॉग अच्छा सा बोल के सुनाए ना, आपकी किसी आवाज कट ड्रामे रही का। है, कह रहा कट हूँ किसी ड्रामे की कोई अच्छी सी लाइन, किसी फिल्म की कोई लाइन तो जरा बताए रही ना। है। ड्रामे की लाइन, मम्मा को तो ड्रामे देखने का बहुत शौक है, मगर मैं एक्टिंग टिकटॉक में बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं, तो जरा करें ना कुछ अभी सामने जरा। टिकटॉक आप मुझे कोई बोल के दिखाए मैं करता हूँ। कुछ मैं क्या बोल, मेरे तो यूट्यूब पे भरे पड़े ड्रामे, नहीं आपको मेरी मतलब कोई कोई लाइन चाहिए? कोई ये माशाल्लाह, वैसे तो ये मॉडल शूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, ये खुद भी टिकटॉक बड़े अच्छे बना लेते हैं। और वैसे मैं ना इसको मीडिया में, मेरे कजन्स फैमिली सारी कराची में ना ये हैं, ये जो क्या कहते हैं कमर्शियल बनाते हैं माशाल्लाह, मेरे हाँ, मामूजात भाई वगैरह सब कमर्शियल ARY में है, कोई किसी में है, कोई किसी में, कजन्स सारे मेरे कराची में अच्छा होते हैं। चलो, अच्छा समझ, चलो वो एक लाइन है मेरे ड्रामे की, आपको जी हाँ चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर याद है? ये खुदा वैसे ना वैसे कुछ लंबा हो गया मुझे, आई थिंक वो मोहब्बत भी ना कुछ छोटा मुझे दे हो। दें, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बता देता हूँ कुछ चलो छोटा यही करके बोल के ना। सुना दो, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, यही सुना दो। चलो आपको चाहिए मैं एक, बता रही हूँ हाँ आपको, नहीं आपको आपको चाहिए स्टाइल में यार, स्टाइल में क्या थोड़ा। स्टाइल में, तो दोबारा बोलेगा जरा, आपको चाहिए आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। बस अच्छा आपको चाहिए एक हुनर होने नहीं, तक, एक नहीं उम्र एक असर उम्र, होने, आपको आपको चाहिए देखे ना एक इसलिए उम्र असर शायद होने तक, आप। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। आंटी आप आ जाएं, आप आ जाएं मीडिया में, क्षमा आपकी शक्ल लगती है बॉम्बे शरीफ से रहा मिलती है थोड़ी सी। मैं। जी, चलें चैट करें, चलें चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, इमरान बहुत मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, हमसे बात करते रहा करें आप कभी जी कभी, जी जरूर जरूर। ओके जी, अगर ओके, हम, थैंक यू। अगर आप हम गरीबों को कुछ समझते हो तो। नहीं जी, गरीब अमीर क्या होता है, मैं खुद भी गरीब ही हूँ, तो बस बहुत शुक्रिया आपने, आपकी इतनी हमने मोहब्बत देखा है से। ना ये जो मीडिया में आ जाते हैं ना लोग, फिर इतने लिफ्ट नहीं कराते किसी नहीं को। नहीं मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ, मुझे तो कुछ मीडिया शीडिया का ज्यादा पता ही नहीं। आपकी फिल्म देखी थी इंडिया की, अच्छा लेकिन अच्छा मुझे देखी एक थी चीज, आपने? मुझे ना एक बात कहूँ हाँ, एज ए आपको बिल्कुल हम यानी कि आपस में बैठ के बात करते हैं, बड़ी जरूरी, भाई कि आप लोग ना इंडिया में क्यों फिल्में करते हैं, हमें बड़ा ही अब कौन गुस्सा कर आता है रहा इस है? बात नहीं, पर। अब अब तो नहीं कौन कर रहा करते, है? देखिए पहले पहले करते थे, क्यों करते थे, उनकी इंडिया हीरोइनें के भी, आती थी हमारे बीच में। इंडिया के भी एक्टर्स यहाँ आते थे, वो भी काम करते थे, उस वक्त बड़े अच्छे हालात थे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई हमें इज्जत से बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, तो आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और उनके भी इस ड्रामा एक्टर्स हमारे यहाँ आते थे, फिल्म एक्टर्स आते थे, अमरीश कौन से थे अपने, ओम पुरी साहब आए थे, नसीरुद्दीन शाह, बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया, तो कोई बुरी लेकिन बात नहीं सलमान अगर खान तो बुला नहीं रहा है। आया, शाहरुख तो नहीं आया ना, हाँ अगर उस वक्त अच्छी ये भी फिल्में तो ऐसी आए ना। बनती तो जरूर आ जाते, वो भी अगर कोई अच्छी है मुस्काबिल, तो हमारी फिल्में उस वक्त ऐसी कहाँ बन रही थी, अब थोड़ी बेहतर बननी शुरू हुई है ना वो। अब आप गंडासे वाली फिल्मों में तो उन एक्टर्स को एक्सपेक्ट ना करते ना कि वो आके काम करते, उनका भी तो कोई स्टैंडर्ड है जी ना। वैसे इमरान एक बात कहूँ, आप अच्छे किरदार क्या करें, कोई नेगेटिव किरदार ना क्या करें, आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो तो खत्म हो गया जी, बस इट्स ओवर। हाँ आप एक अच्छे, एक प्यारी पर्सनालिटी के मालिक है ना, तो आप पे प्यारे हाँ प्यारे रोल अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब बस आपका हुक्म सर आंखों पे जी, अब आइंदा अच्छे अच्छे थैंक ड्रामे यू, करना। बहुत अच्छा लग रहा ओके है इमरान, आपने हमें इतना थैंक यू टाइम आंटी, खुदा दिया, हाफिज, अल्लाह बहुत हाफिज। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।